गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इसमें हमने अब तक जो पढ़ा है वो है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है। देखो, जब भी कोई रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए वो बोलेगा तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया दो तरीके से दी होंगी। या तो वो वर्ड्स में ऐसे लिखेगा जैसे ये लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाने पर कॉपर हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप तथा सोडियम सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है, या तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। अगर ऐसे लिखा हुआ मिलता है तो फिर आपको उसमें जो यौगिक दिए गए हैं उनका सूत्र भी लिखना पड़ेगा और जो तत्व दिए गए हैं उनका प्रतीक भी ठीक लिखना पड़ेगा और सारे के सारे यौगिकों का सूत्र वो ठीक होना चाहिए। अगर सूत्र गलत हुआ तो कभी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं कर पाओगे। और यौगिक का सूत्र कैसे बनाते हैं वो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो तो बनाना आना चाहिए। तो या तो अभिक्रिया ऐसे दी गई होगी स्टार्टिंग में, और जो स्टार्टिंग में, या फिर समीकरण ही लिख देगा वो, जैसे कोई समीकरण लिख दी उसने कैसे, Al2SO4 3 प्लस NaOH और बना क्या इसमें AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, AlOH3 प्लस Na2SO4। देखो, या तो वो ऐसे देगा वर्ड्स में लिखा होगा जो अभिक्रिया में हुआ, या फिर सीधी समीकरण ही लिखी होगी ऐसे कि इस समीकरण को संतुलित कीजिए। अब अगर ऐसे दिया गया है तो आपको सूत्र खुद लिखने पड़ेंगे, प्रत्येक तत्व का प्रतीक भी खुद लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो दी गई ये समीकरण, इसमें तो प्रत्येक यौगिक का सूत्र भी उसने अपने आप दे दिया। इसका मतलब क्या है कि इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट समझते हैं, इसको करना ये थोड़ा आसान होता है। वैसे तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इतना मुश्किल काम नहीं है, सबसे आसान काम है और मैं बहुत आसान तरीके से इसको बताऊंगा। एक बार देख लोगे ध्यान से तो सीख जाओगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो इसको लेके चलते हैं, पहले हम इसकी बाद में बात करेंगे, इसको छोड़ दो फिलहाल के लिए, इसको यहीं पे। ये देखो, उसने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, विलयन है, घोल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लेते हैं सूत्र। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, किस में मिलाया विलयन कॉपर सल्फेट में CuSO4, ये मिला दिया। जो जो दिया गया है वो लिख लो पहले, क्या बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 ये, और सोडियम सल्फेट Na2SO4। कहता है ये सोडियम सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। ये अवक्षेप है मतलब ये सॉलिड है और ये विलयन है। तो जो जो दिया हमने पहले वही लिख लिया, तो इसको बोलते हैं कंकाली समीकरण। मतलब जो दिया है अभी हमने वही लिखा है, अभी इसको संतुलित नहीं किया है, तो स्टार्टिंग में जिसको लिख देते हैं उसको बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। तो मतलब क्या है, ये जो मैंने लिखी है ये कंकाली रासायनिक समीकरण है, अब इसको संतुलित करना है। देखो, संतुलित कहाँ से शुरू करेंगे हम, ज़्यादातर क्या करते हैं, हम उस तत्व को उठाते हैं जिसके परमाणु सबसे अधिक होते हैं। अब इसमें सोडियम का 1 है और सोडियम का 2 इधर है, 3 है, ऑक्सीजन के 4 इधर, इधर 4 और 2 6। तो अगर हम ऑक्सीजन को संतुलित करना शुरू करें तो लिखना पड़ेगा, सबसे पहले संतुलित करने से पहले इसको बॉक्स में रख लो ऐसे, इन सबको बॉक्स में। बॉक्स में क्यों रखते हैं, बॉक्स में इसलिए रखते हैं भाई जब हम संतुलित करेंगे तो किसी न किसी डिजिट के साथ इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो मल्टीप्लाई करते समय वो डिजिट पूरे के पूरे सूत्र से ही मल्टीप्लाई होएगा। ऐसा नहीं है जैसे CuOH2 या यहाँ Cu1 है, इधर Cu1 है, चलो ये Na2 है मान लो, इधर 2 है, इधर सोडियम 1 है, तो ऐसा नहीं करना कि हम इसको Na2 लिख देंगे, Na2 ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हम, तो Na2 नहीं लिख सकते। अगर हम दो
यहाँ पे दो लेके आना चाहते हैं तो दो से मल्टीप्लाई होगा और पूरा का पूरा ही होगा। ऐसा नहीं है कि खाली सोडियम के नीचे हम टू लिख दे, ऐसा नहीं होता क्योंकि सूत्र नहीं बदलना। NaOH का सूत्र NaOH ही है, Na2OH नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय ये ध्यान रखना कि कभी भी यौगिक का सूत्र नहीं बदलेगा। तो पहले सबसे पहले बॉक्स में बंद कर दिया, इससे क्या होगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को संतुलित करने पर, ऑक्सीजन को संतुलित करने पर। तो अब हमने ऑक्सीजन को संतुलित करना है, अब यहाँ ऑक्सीजन को काउंट करना है, सभी तत्वों को सबसे पहले काउंट करना है। एक पहले देख लेते हैं सभी तत्वों को, जैसे सोडियम एक तत्व है, इसमें इसके कितने परमाणु हैं वो काउंट करो दोनों साइड में। ऑक्सीजन एक तत्व है, उसके कितने परमाणु हैं दोनों साइड में उनको काउंट करो। जितने भी तत्व दिए गए हैं सभी के परमाणुओं को काउंट करना है। जैसे इस तीर के निशान के इस साइड सोडियम के कितने तत्व है सबको जोड़ना है, तो यहाँ लिख लो सोडियम Na, Na इसको छोड़ो, तो Na ये लिख दिया। ये किसमें, ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। अब हम देखेंगे, हमने एक तत्व ले लिया सोडियम, सोडियम के परमाणु अभिकारकों में टोटल करना है, जितने भी अभिकारक हैं, ये भी एक अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, सभी में सोडियम के जितने भी अभिकारक हैं सॉरी परमाणु हैं उनको जोड़ लो। तो यहाँ पे तो सोडियम एक ही है और इसी साइड इसमें तो है नहीं, इसमें होता तो उसको भी जोड़ लेते। तो सोडियम एक है तो अभिकारकों में सोडियम एक है, सोडियम उत्पाद में देखो यहाँ दो है तो सोडियम हो गया दो। अगर हम बात ऑक्सीजन, सोडियम की बात क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर देखो टोटल करना है, अभिकारकों में टोटल ऑक्सीजन देखनी है, चार यहाँ पे एक यहाँ पे कितने हो गए पांच, और यहाँ ऑक्सीजन चार यहाँ पे है, ब्रैकेट के अंदर है, नीचे दो है, इसका मतलब है दो से मल्टीप्लाई है ये पूरा, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन, इसका मतलब दो है यहाँ पे, तो कितने हो गए छह हो गए उत्पाद में ऑक्सीजन, कितने हो गए छह। अब हम देखें इसको हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन एक तत्व है, इसके कितने परमाणु है देखो एक है, यहाँ पे एक लिख दिया, अभी कार्बन में एक ही है और तो कहीं है नहीं, इसमें देखो यहाँ दो है तो ये दो लिख दिया। उसके बाद देखो कौन सा, कॉपर, कॉपर का यहाँ पे एक है, अभी कारक में कॉपर का एक ही परमाणु है, इसमें देखो इसमें भी उत्पाद में कॉपर का एक ही परमाणु है। तो देखो इन सब में हमने ये पढ़ लिया है, पढ़ चुके हैं ये, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जब हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो अभिकारकों में किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या उत्पादों में तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। अब इनमें इस समीकरण में सिर्फ एक कॉपर के परमाणु समान है, बाकी किसी के भी परमाणु समान नहीं है, नहीं है तो ये असंतुलित है। तो अब इसको संतुलित करना पड़ेगा, किसी से भी शुरू कर लो, सबसे ज्यादा किसके परमाणु है ऑक्सीजन के, तो हम ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। देखो ऐसे भी कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कितने कितने परमाणु हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना तो वैसे भी काउंट कर सकते हो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद से ऐसे काउंट कर सकते हो कि एक और चार पांच, पांच इधर हैं, चार और दो छह, छह इधर है, ऐसे कर लोगे या फिर ऐसे लिख के देख लेना। तो सबसे पहले अब हम करते हैं ऑक्सीजन को संतुलित करने पर, लिखेंगे ऑक्सीजन को संतुलित करने पर। बहुत आसान है, मैंने क्या किया है जो बताया उसने, पहले उनके सूत्र लिखे हैं फिर उनको बॉक्स में बंद कर लिया, अब उनमें से जो सबसे ज्यादा परमाणु जिसके है उसको देख लो। वैसे तो संतुलित किसी को भी कर सकते हो, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए जो ज्यादा है उसको संतुलित पहले कर लेते हैं। देखो जहां कम है वहां गुना होगी, अब चार और दो छह, इधर तो ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर अभिकारकों में ऑक्सीजन कम है, तो हम इधर गुना करेंगे, चार यहाँ पे है, अगर यहाँ पे दो ऑक्सीजन आ जाए तो छह हो जाएंगे और छह इधर बराबर हो जाएंगे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको NaNaO2H लिख दूं ऐसे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे तो सूत्र ही बदल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और सूत्र नहीं बदलना है।
नहीं बदलना तो क्या करेंगे, तो बॉक्स में इसको लिखो NaOH, पूरे बॉक्स को दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सूत्र नहीं बदलना है, याद रखना। कहने का मतलब क्या है, बीच में तो कहीं दो तीन कहीं पे सूत्र के बीच में तो लगाना ही नहीं है, अगर कोई दो तीन किसी से गुणा होएगा तो वो पूरे के पूरे सूत्र से ही गुणा करना पड़ेगा। अब जहां गुणा कर दिया उसको कर लिया, बाकी सब कहीं कहीं लिख दो, CuSO4 तीर का निशान CuOH2 प्लस Na2SO4 बॉक्स में बंद कर दिया, ये भी बॉक्स में बंद कर दिया। अब देखो अब इसमें इस समीकरण में कॉपर संतुलित हो गया है, कॉपर पहले से संतुलित था, ऑक्सीजन दो इधर होगी चार, यहाँ पे छह ऑक्सीजन, चार यहाँ पे दो, यहाँ पे छह ऑक्सीजन संतुलित होगी। रह गया क्या, सोडियम को देखो, सोडियम दो इधर है, देखो ना दो से गुना हो गया, दो इधर है तो दो देख लो, दो इधर है तो सोडियम संतुलित हो गया, क्या क्या संतुलित होगी इसमें, कॉपर बराबर हो गए हैं कॉपर के, अगर हमने देखा ऑक्सीजन बराबर हो गए ऑक्सीजन के, सोडियम को देख लिया सोडियम बराबर है सोडियम के, ठीक है ना, बराबर हो गए दोनों। अब रहता क्या है, हाइड्रोजन देखो, अब हाइड्रोजन इधर दो है क्योंकि दो से गुणा हो गया तो दो है, इधर देखो ब्रैकेट के बंद बार दो है तो हाइड्रोजन यहाँ भी दो है, तो हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। और इसमें सल्फर रह गया, सल्फर, सल्फर भी तो एक परमाणु सॉरी तत्व है, तो सल्फर के देखो सल्फर का एक है, सभी पूरे अभिकारकों में एक ही है और यहाँ भी एक ही है तो सल्फर भी बराबर हो गया। यानी का मतलब अगर सारे के सारे तत्वों के परमाणु बराबर हैं तो रासायनिक समीकरण हो गई संतुलित। अब इसको क्या करना है, अब इसको बॉक्स से बाहर लिख देना है, जब रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगी तो आखिर में उसको बॉक्स से बाहर लिख देना है और उनकी भौतिक अवस्थाएं लिख देते हैं ताकि उस समीकरण से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। कैसे, इसको 2NaOH plus CuSO4 CuOH2 plus Na2SO4 ये लिख दिया, ठीक है। अब स्टार्टिंग में उसने बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने ले लिया विलयन, तो इसको विलयन को क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं, तो AQ ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस। कॉपर सल्फेट का भी उसने विलयन ही लिया था तो ये भी घोल है तो इसको भी हम लिखते हैं AQ लिख दिया। कॉपर हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप बनते हैं मतलब ये ठोस बनेगा तो इसके ब्रैकेट में हम लिख देंगे सॉलिड S। Na2SO4 का विलयन बनता है तो इसके ब्रैकेट में लिख देंगे AQ, ठीक है। तो ये रासायनिक समीकरण हो गई संतुलित, है ना, कितनी आसान, इतना मुश्किल नहीं है। चलो ये तो हो गया, कब, जब अगर ऐसे अभिक्रिया को लिखे हुए दे दे वो, क्योंकि ऐसे लिखा है कि कोई चीज किसमें मिली तो ये बना तो उसके सूत्र लिखोगे हम, जैसे हमने लिखे अभी। चलो एक और करके देख लेते हैं हम, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, वेरी इजी। देखो उसने कहा दूसरी अभिक्रिया में लोहे लोहे को अगर बांध के साथ गर्म किया जाए तो आयरन 2-3 ऑक्साइड प्राप्त होता है, आयरन 2-3 ऑक्साइड, लोहे को, लोहे का प्रतीक होता है आयरन Fe, ठीक है। ये सोलिड है लिक्विड है, वैसे तो हमें पता है लोहा तो सोलिड होता है, लेकिन अभी लिखने के बजाय हमने वही लिखना है जो उसने बता दिया, लोहा अभिक्रिया करवाई किसके साथ, बांप के साथ, देखो H2O बांप है यहाँ पे, ये बात याद रखना। बनेगा क्या, आयरन 2-3 ऑक्साइड, आयरन 2-3 ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe3O4 और क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है भाई, ये है। अब ये हमने लिख लिया, अब देखते हैं इसको कैसे संतुलित करेंगे। सबसे पहले काम वही बॉक्स में बंद कर लेंगे, या सबसे पहले अभिकारकों और उत्पादों में तत्व के परमाणुओं की तुलना कीजिए, यहाँ आयरन एक, यहाँ आयरन तीन लिख लो, अभिकारक उत्पाद आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आयरन अभिकारक में एक उत्पाद में तीन क्योंकि देखो Fe3 लिखा है, हाइड्रोजन इधर दो, इधर हाइड्रोजन दो, दो दो, ठीक है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी, एक, यहाँ पे कितनी, चार, ठीक है भाई, हो गया। अब देखो
इनमें अगर हम तुलना करें तो सिर्फ एक हाइड्रोजन संतुलित है, बाकी आयरन भी और ऑक्सीजन भी संतुलित नहीं है। तो चलो संतुलित करते हैं। सबसे पहले वही काम, हम इनको बॉक्स में बंद कर लेंगे। आयरन को बॉक्स में भी बंद कर लिया, H2O, ये कर लिया बंद। अब सबसे पहले यही लिख लो, आयरन को संतुलित करने पर, अब तीन है यहाँ पे तो तीन से मल्टीप्लाई करेंगे किस साइड, उस साइड जहां आयरन की कमी है, तो इस साइड तीन बॉक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे से Fe, बाकी किसी को नहीं छेड़ना, H2O Fe3O4, बाकी किसी को नहीं छेड़ना H2, तीन से गुणा किया इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ Fe3 था इसलिए ये तीन से मल्टीप्लाई होगा तो Fe3 हो गए बराबर। अब देखो ऑक्सीजन को संतुलित करने पर, ऑक्सीजन को संतुलित करने पर ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे चार है, तो यहाँ पर आनी पड़ेगी, तो इधर गुणा होगा तो 3Fe लिख दिया प्लस 4H2O, पूरा का पूरा बॉक्स ही मल्टीप्लाई होएगा याद रखना, और Fe3O4 जहां मल्टीप्लाई करेंगे बस उसी को करना है, बाकी सबको यों का यों लिख देंगे, ये लिख दिया ठीक है। तो ऑक्सीजन होगी संतुलित। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इधर 4 × 8, देखो दो नीचे भी लिखा, 4 आ गया, 4 × 8 हो गए, 8 परमाणु है हाइड्रोजन के, और इधर परमाणु कितने हैं 2, तो यहाँ पे 8 करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, हाइड्रोजन को 4 से, तो 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे H2। अब देखो सबको काम करके, 3 आयरन 3 आयरन, 4 × 8 हाइड्रोजन, 4 × 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन जब संतुलित हो जाए तो बॉक्स से बाहर लिख देंगे, तो लिखेंगे योगी ये पूरी लिखो 3Fe प्लस 4H2O, क्या बना Fe3O4 प्लस 4H2, ये होगी भाई संतुलित। अब हमें पता है कि संतुलित करने के बाद भौतिक अवस्थाएं लिखते हैं हम, तो हम इसकी भौतिक अवस्थाएं लिखेंगे, जो जो इसमें दिए गए हैं तत्व वो किस अवस्था में है वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे, जैसे 3Fe आयरन सॉलिड है प्लस 4H2 भाप के साथ की थी, देखो यहाँ H2O ये द्रव नहीं है, भाप के साथ हुई थी, तो 4H2O को जी लिखना पड़ेगा गैस, Fe3O4 ये सॉलिड बनता है, ओहो सॉलिड बनता है मतलब ये भाई ब्लैक सा पाउडर सा होता है ये आयरन 2-3 ऑक्साइड ब्रैकेट में S प्लस 4H2 ब्रैकेट में आ जाएगा जी गैस ठीक है। तो ये होगी रासायनिक समीकरण संतुलित, देखो कितनी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करोगे जैसे मैथ्स के सॉल्व करते हो तो एक बार में नहीं आते, इनकी जितनी ही प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा इनकी ये अच्छे से समझ में आएगी। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आयरन 2-3 ऑक्साइड Fe3O4 इसको बोलते हैं आयरन 2-3 ऑक्साइड, इसको आयरन 2-3 ऑक्साइड कहते हैं। आयरन के तीन ऑक्साइड होते हैं, एक होता है FeO, इसको बोलते हैं आयरन 2 ऑक्साइड, एक होता है Fe2O3, इसको बोलते हैं आयरन 3 ऑक्साइड, इसको आयरन 3 ऑक्साइड, इसको आयरन 2 ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें आयरन की संयोजकता है 2 होती है और इसमें आयरन की संयोजकता 3 होती है, इसलिए इसको आयरन 2 ऑक्साइड बोलते हैं, इसको आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं, और इन दोनों के मिलने से दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनता है Fe3O4, इसलिए इसका सूत्र बन गया Fe3O4, देखो F और Fe2 मिलके Fe3O3 और O मिलके O4 बन गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं आयरन 2-3 ऑक्साइड ठीक है।
इसको मैग्नेटिक आयरन भी बोलते हैं, आयरन टू थ्री ऑक्साइड को मैग्नेटिक आयरन भी बोल देते हैं, तो ये याद रखना। उसके बाद देखो और दे दी इसने, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु की उपस्थिति में जल कर। देखो एक बात मैंने बताई थी कि जब भी कहीं जलने का नाम हो जाए तो ये बात याद रखना कि उस तत्व की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई है। उसने कहा हाइड्रोजन सल्फाइड सूत्र लिखेंगे H2S, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन को हमेशा O2 लिखते हैं, सिंगल O नहीं लिखना, O2 लिखना है, O नहीं लिखना। O क्यों नहीं लिखना? क्योंकि O ये स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? नाइन्थ क्लास में हमने परमाणु की संरचना में पढ़ा था कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसके पहले कक्ष में 2, बारहवीं कक्ष में 6 होते हैं। बारहवीं कक्ष में इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जब तक इसका बारहवीं कक्ष पूर्ण नहीं होगा ये संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए अकेले ओ का इसका इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आने से रहे कहीं से भी, इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो किसी न किसी से लेने पड़ेंगे, तो या फिर किसी के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी, तब जाके इसकी बारहवीं कक्ष पूर्ण रूप पूर्ण भरेगा। पूर्ण भरने के बाद ये स्टेबल होगा। इसलिए एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के इसके 2 और इसके 2 आपस में साझेदारी कर लेते हैं, बीच में आपन बन जाता है, दोनों संतुष्ट हो जाते हैं और O2 के रूप में हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। अकेला O वायुमंडल में जो ऑक्सीजन मिलती है वो अकेला O नहीं मिलता, O2 के रूप में मिलेगी हमेशा ही, इसलिए O2 लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या बनाती है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस बनाती है, ठीक है, और H2O जल भी निकलता है। बात समझ आ गई? अब देखो बॉक्स में बंद कर लेंगे सभी को, काउंट करेंगे तत्व के परमाणु, सल्फर 1 सल्फर 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, सल्फर भी से बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर है, ऑक्सीजन देखो 2 और 1 3 3 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। तो एक काम करो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से और इधर मल्टीप्लाई कर दो 2 से, देखो H2S प्लस 3O2 SO2 प्लस इसको कर देंगे 2H2O, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अभी हमने। अब देखो 3 गुणित 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गई, यहाँ पे कितनी होगी? 2 और 2 4, मतलब अभी भी 2 बाकी है, कहाँ? इस साइड, ठीक है। जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से पहले देखो, मल्टीप्लाई करने से पहले हाइड्रोजन यहाँ भी 2 था और यहाँ भी 2 था, तो हाइड्रोजन संतुलित था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि देखो इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, सॉरी 3 है, तो देखो एक जगह 2 है एक जगह 3 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 जाएगा, अगर इसको 2 से करूँगा तो 6 जाएगा, तो हमें बराबर करना है। तो O2 है 2 है तो मैंने 3 से किया, यहाँ 3 है तो इसको इस साइड 3 है टोटल, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा यहाँ बीच में ऑक्सीजन को संतुलित करने पर, वो मैंने लिखना भूल गया था, तो लिखना पड़ेगा, तो H2S3O2 ये हो गया। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन पहले संतुलित थे लेकिन अब असंतुलित हो गए, क्यों? जैसे देखो 2S2 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गए और इधर हो गए कितने? 2। तो लिखेंगे हाइड्रोजन को संतुलित करने पर, संतुलित करने पर। अब हाइड्रोजन को संतुलित कैसे करेंगे? यहाँ हाइड्रोजन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे H2S, ठीक है भाई, 2H2S प्लस 3O2, ठीक, SO2 प्लस 2H2O, 2H2O ये हो गया। लेकिन अब एक बात याद रखो, पहले सल्फर संतुलित थे, अब जैसे मैंने 2 इसके आगे लिखा, यहाँ सल्फर हो गए 2, यहाँ सल्फर हो गया 1, ऐसा ही होता है, जब भी हम किसी एक तत्व को संतुलित करते हैं तो दोबारा से काउंट करना पड़ता है उसको, क्यों? क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई करने से हो सकता है दूसरा तत्व असंतुलित हो गया हो, तो ऐसा ही होगा। देखो 2H2S
यहाँ सल्फर दो हो गए थे तो यहाँ एक है तो 3O2, तो इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे SO2 प्लस 2H2O ये हो गया। ठीक है, अब देखो 2×4 हाइड्रोजन, 2×4 हाइड्रोजन, दो सल्फर, 2×4 ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, O2 भी है नीचे, ओके 2×4 और 2 यहाँ पे 6 हो गए और 3×6 हो गए, तो हो गए ये संतुलित। तो हम इसको ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे, ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे कैसे, 2H2S प्लस 3O2 बना गया 2SO2 प्लस 2H2O। ठीक है भाई, अब हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी गैस है, ऑक्सीजन ये भी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गैस है, और वाटर जो निकलेगा वो भी गैस के रूप में निकलेगा, तो हम उनकी भौतिक अवस्थाएं ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है भाई, ये ऐसे संतुलित करना है, तो ऐसे लिखे हुए हैं तो ऐसे संतुलित करना है। अब इसकी बात कर लेते हैं हम, अगर उसने सीधी सीधी समीकरण लिख दी तो उसको संतुलित कैसे करना है, जब Al2SO4 3 NaOH प्लस AlOH 3 Na2SO4 ऐसे था यहाँ पे Na2SO4 ये दे रखा था। अब सबसे पहला काम तत्वों को कंपेयर करेंगे हम, परमाणुओं की संख्या अभिकारकों में कितनी है, उत्पादों में कितनी है, तो एल्यूमिनियम की बात करें क्योंकि एल्यूमिनियम में फिर सल्फर है, सल्फर की बात करें, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बात करें, सोडियम है तो सोडियम की बात करें, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम देखो इस साइड 2 है और इस साइड 1 है, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, सल्फर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सल्फर 1 है। ठीक है भाई, और ऑक्सीजन भी देखो ये 4×3=12 और 13 है इस साइड, और यहाँ पे देखो 4×3 यहाँ पे है OH3 और 4×3=7 ये 7 हो गए, और एक सोडियम को देख लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सोडियम कितने हैं 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन देखो 1 और यहाँ हाइड्रोजन कितनी 3, तो इनको संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करते हैं, चलो देखते हैं, किसी को भी उठा लो पहले, देखो ये सल्फर है, देखो इस साइड Al2SO4 3 NaOH Al2S3 Na2SO4, तो सबसे पहले यहाँ सल्फर 3 है, यहाँ सल्फर 1 है, तो लिखेंगे सल्फर को संतुलित करने पर, संतुलित करने पर बॉक्स में ले लो सबको, ये बॉक्स में ले लिया Al2SO4 3 प्लस NaOH बॉक्स में यूं का यूं, Al किसी को नहीं छेड़ना, बस उसको ही छेड़ना है जिसको हमने संतुलित करना है OH3, यहाँ सल्फर 1 था तो इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे Na2SO4, ठीक है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सल्फर हो गए संतुलित। लेकिन अब देखो यहाँ 3 से जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो 3×6 सोडियम हो गए यहाँ पे, और इस साइड सोडियम कितने हैं 1, देख लो चाहे 1 है, तो लिखेंगे सोडियम को संतुलित करने पर, सोडियम को संतुलित करने पर ऐसे लिख देंगे, जहां मल्टीप्लाई करना है वहां करना, बाकी सबको सेम, यहां करना है तो बाकी सबको यूं का लिख दो Al2SO4 3 ब्रैकेट में बंद प्लस NaOH कितने होने चाहिए 6, इस साइड 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया AlOH3 यूं का यूं, और 3 Na2SO4, ठीक है भाई ये लिख दिया हमने। अब देखो अब ऑक्सीजन को देख लो, सोडियम हो गया बैलेंस, सल्फर हो गया बैलेंस, एल्यूमिनियम को देखो, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो एल्यूमिनियम को करो उधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Al2SO4 3 प्लस 6 NaOH, और यहाँ 2 से 2 AlOH 3 प्लस
3Na2SO4 ये कर दिया, तो दो तो एल्यूमिनियम भी हो गया संतुलित। अब किसको देखना, अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन देखो, चार तीय बारह और छह ऑक्सीजन इसमें है, 18 हो गए। इसमें देखो तीन तो ब्रैकेट के बाहर लिखा ना, तीन ये तीन दूनी छह, यहाँ पे तीन दूनी छह, छह यहाँ पे और चार तीय बारह, बारह ये और छह ये 18 हो गए, तो दोनों साइड 18-18 है। अगर हम देखें सल्फर बैलेंस कर लिया, एल्यूमिनियम कर लिया, सोडियम छह हो गए थे, हाइड्रोजन देख लो छह हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो इसमें तीन दूनी छह छह हाइड्रोजन हो गए, तो ये संतुलित हो गई Al2SO43 प्लस 6NaOH 2AlOH3 प्लस 3Na2SO4। ठीक है भाई, ऐसे लिख देंगे, फिर ब्रैकेट में लिख देंगे इनकी भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, जैसे ये विलयन है तो एक्वस लिखेंगे, ये विलयन है तो ब्रैकेट में एक्वस लिख देंगे, ये अवक्षेप बनेगा तो ब्रैकेट में सॉलिड लिखेंगे, ये विलयन है तो ब्रैकेट में एक्वस लिख देंगे। इस प्रकार ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। देखो बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए रासायनिक समीकरण आपकी बुक में लिखी हुई है, कॉपी पेन उठाओ, उनको लिखो, सूत्र बनाना सीखो, सूत्र लिखो और संतुलित करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।